देहरादून मसूनी में बाबा भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। बता दें कि मसूरी में अंबेडकर चौक पर भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी व अनेक छात्रों वे राजनीतिक सामाजिक संगठनों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। देहरादून मसूरी से देखिए सुनील सोनकर की एक खास रिपोर्ट। और उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण की। पिछले कुछ सालों में पंचासी माननीय अतिथियों और सभी विद्यालय से आए मेरी प्यारी बहनों, आज तक संभाल रहे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पुनः आप सबको समाज के जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सुनील सोनकर पे आप बहुत बहुत बधाई के अनुरोध है कि आगे से समय का आप ध्यान रखें। धन्यवाद। मंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया, माननीय मंत्री जी को तुरंत आज के इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि हमारे काम किया है ध्रुव विक्टर ही जो हमारे बालिका के प्रोध्यक्ष मनोहर मल जी हमारे मंडल के। आज मैं दिल की गहराइयों से भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा समर्पित करता हूं, क्योंकि भारत का संविधान अगर सबसे बढ़िया संविधान देशों के संविधान का अभ्यास करने के बाद उन्होंने संविधान को बनाया। आज संविधान को शपथ लेकर हम विधानसभा में बैठे हैं, संसद में जाते हैं और हमेशा उन्होंने दलित व कमजोर लोगों की लड़ाई को लड़ा। यहाँ पर सुनील और आज उन्होंने बताया मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, जो संकट में आज होना चाहिए। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से अपनी पार्टी की ओर से उस महान आत्मा को श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ।